हाय गाइस, आपके अपने ऑफिशियल टिफोर से एक और स्वागत है। आज दोस्तों बनाएंगे हम स्वाद से भरी हुई पालक और आलू की सब्जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ढाबे या रेस्टोरेंट पर पालक पनीर की सब्जी बनाई जाती है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि भाई ढाबे पर पालक पनीर और घर के पालक पनीर में क्या अंतर है। आप लोगों ने खाया तो होगा ही, तो आप जानते ही होंगे कि ढाबे या रेस्टोरेंट की पालक पनीर घर की पालक पनीर से काफी हटके बनती है। रेस्टोरेंट या ढाबे पर जो पालक पनीर बनती है उसमें बिल्कुल भी पालक का स्वाद नहीं आता है, काफी स्पाइसी होती है और स्वाद भी उसका बिल्कुल हटके होता है। भाई वो उसमें थोड़ी सी ट्रिक करते हैं, उसी ट्रिक की वजह से जो उनकी पालक पनीर है वो काफी हटके बनती है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि भाई वो पालक पनीर की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पालक आलू की बात चल रही है। लेकिन मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ, जब आप एक बार पालक आलू की सब्जी खाएंगे तो आप पालक पनीर की सब्जी को भी साइड में रख देंगे, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने आलू को डाला है वो अलग तरीके से डाला है, नॉर्मल आलू पनीर से भी काफी हटके बनी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी पालक आलू की ये सब्जी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करें। फिलहाल ढाबे की ढेर सारी ट्रिक के साथ इस स्वादिष्ट पालक आलू की सब्जी को बना लेते हैं। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हम पालक से करते हैं। तो चलेंगे अपने गार्डन में, यानी कि खेत में। ये मैंने छत पर ही खेत बना रखा है। ये लगी हुई हमारी छत पर पालक, देखिएगा कितनी बड़ी पालक हो चुकी है। लगभग ये 10 दिन पहले मैंने तोड़ी थी, 10 दिन बाद फिर से इतनी बड़ी हो गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, ये एकदम ताजा पालक है। मैं सिर्फ एक ही टब की ये पालक तोड़ने वाला हूँ, दूसरा टब ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर कभी बनाएंगे, क्योंकि पालक बहुत ही जल्दी बढ़ती है। अब पालक को हम तोड़ लेंगे, देखिएगा पालक कितनी घनी है। बस भाई मेरे तो छत के ऊपर 15,000 से 20,000 की प्रत्येक साल सब्जी निकल ही आती है। तो अगर आपको मेरा गार्डन देखना है तो एक बार बताइएगा, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल हम इस तरीके से पालक तोड़ लेंगे, पालक को मैं डंडी सहित तोड़ूंगा। अब इसी तरीके से हम एक एक करके सारी की सारी पालक तोड़ लेंगे। अब आपको हल्की सी इसके ऊपर पानी की बौछार टाइप की लग रही होगी, वो मैंने इससे डाला है। ये भी 500-600 रुपए में आ गया था, इजिली आपको अमेजोन पे मिल जाएगा या मार्केट में जाए वहां भी मिल जाएगा, काफी अच्छा है ये। और इसी से जितनी भी सब्जियां हैं सब में मैं पानी डाल देता हूँ। अब मैंने एक टब की सारी पालक तोड़ ली है, तो अब चलते हैं हम अंदर तौलने। अब ये लिया मैंने एक तराजू और इस पर हम पालक को तोल लेते हैं। अभी 1452 ग्राम है। अब एक हम बड़े से बर्तन में पालक निकाल लेते हैं और अब चेक करते हैं ये पालक टोटल कितनी है। तो फिर से हम लेते हैं तराजू और इस पर रख देते हैं 835, यानी कि 835 ग्राम का ये जो हमारा स्टील का टब है वो है। तो पालक कितनी निकली, आप 1452 ग्राम में 835 माइनस कर दें तो लगभग ये 600 ग्राम जितनी है। तो अब इसे हम उबाल लेंगे। तो लेंगे एक हम बड़ा सा कुकर और इसमें जितनी भी पालक है सबको डाल लेंगे। इसी के साथ डालेंगे इसमें हम आलू, लगभग 700 ग्राम जितने आलू हैं। आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पालक के साथ आलू उबालें तो आलू को अच्छी तरीके से जरूर धुल लें, क्योंकि पालक बाद में धुल नहीं पाएगी। और अब डालेंगे इसके अंदर हम पानी, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, तो एक गिलास काफ़ी है। और अब इसका ढक्कन लगाकर इसको लगभग 2 सीटी आने तक अच्छी तरीके से पका लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो आलू बहुत ज़्यादा उबल जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। जब तक आलू और पालक उबल रहे हैं तब तक हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो लेते हैं एक कूड़दान और यहाँ पर लगभग 10-12 लहसुन की कलियाँ, इसी के साथ 3 इंच अदरक का टुकड़ा। और अब इसको हम अच्छी तरीके से कुचल लेंगे। अब अदरक और लहसुन अच्छी तरीके से कुचल चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना ही कुचलना है। और अब फिर से ले लेंगे अदरक कूड़दान और लेंगे यहाँ पर लगभग 5 हरी मिर्च और इसे भी अच्छी तरीके से कूट देंगे। अब हमारी हरी मिर्च भी कूट चुकी है तो इसे भी इसी में निकाल लेंगे। अब ये तीनों चीज़ें कूट चुकी है तो देख लेते हैं पालक और आलू का क्या हाल है। कुकर की सीटी निकल चुकी है, इसे खोल लेते हैं। देखिएगा आलू भी हमारा बहुत ज़्यादा नहीं उबला है, बस इतना ही हमें उबालना है। ज़्यादा उबल जाएगा तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। पालक मैंने निकाल ली है तो अब इसे हम ठंडा हो जाने देंगे। पालक हल्की सी ठंडी हो चुकी है तो अब इसे हम निचोड़ लेंगे। यहाँ पर निचोड़ना बहुत ज़रूरी है, पालक का अगर आप निचोड़ कर पानी नहीं निकालेंगे तो बिल्कुल भी ढाबे जैसी नहीं बनेगी, क्योंकि इसके अंदर अगर पानी रहेगा तो इसमें पालक का स्वाद हमेशा आता रहेगा। तो बस इसीलिए हम इसका पानी अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं, यही ढाबे वाले करते हैं। अब मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसका निकाल दिया है तो अब इसे हम पीस लेंगे। लीजिए पालक पीस के तैयार है, बस बिना पानी डाले हुए इसे अच्छी तरीके से पीस लीजिएगा। देखिएगा कितनी थिक है, मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया इसीलिए इतनी गाढ़ी है, और इससे ये अच्छी तरीके से भुन भी जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा पालक में जितना भी पानी है सभी निकाल दें। और अब ले लेते हैं एक हम पैन और इसमें डालेंगे रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, लगभग 1/2 बड़ा चम्मच जितना। और अब इसको हल्का सा गर्म हो जाने देंगे, तेल गर्म हो चुका है तो अब इसे हल्का सा फैला लेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम आलू, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, आलू इतने में आसानी से फ्राई हो जाएंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है जो गैस की फ्लेम है वो हाई रखनी है, और तेल जितना अच्छी तरीके से गर्म होगा आलू भी उतनी ही अच्छी तरीके से भुनेंगे और स्वाद भी उतना ही अच्छा आएगा, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और यहाँ पर एक ट्रिक मैं और बता देता हूँ,
कि आलू जब भी आप फ्राई करने के लिए छोड़ें तो तुरंत ना चलाएं, थोड़ी देर उन्हें भुनने दें, क्योंकि अगर आप तुरंत इसे चलाएंगे तो आलू जल्दी से टूट जाएगा। तो आप इसे पहले थोड़ी देर भुनने दें, लगभग 2 से 3 मिनट। आलू बिल्कुल भी नहीं जलेगा तो टेंशन ना लें, आप इसे लगभग 2 से 3 मिनट बाद ही चलाएं। आलू देखिएगा कितनी अच्छी तरीके से लाल हो चुका है, बस ऐसा ही हमें लाल लाल आलू चाहिए। अब इसे हम निकाल लेते हैं। आलू जितना अच्छी तरीके से भुनेगा स्वाद भी उतना अच्छा आएगा। तो बस आलू तो हमारा भुन चुका है, अब आप देख सकते हैं तेल इसने बहुत कम पिया। जी हाँ, आलू बहुत ही कम तेल पीता है, तो इस बात की आपको टेंशन नहीं लेनी कि आलू ने बहुत तेल पी लिया क्या किया। अब मैं तेल निकाल देता हूँ, देखिएगा मैंने ज़्यादातर तेल निकाल ही दिया है, बस थोड़े से ही तेल में से बनाएंगे। अब तेल गर्म है तो इसमें डाल देंगे हम जीरा लगभग 1/2 टेबल स्पून जितना, इसी के साथ हींग लगभग 1/4 टेबल स्पून जितनी, और जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च कूटी थी उसको अब डाल देंगे। और अब इसे हम अच्छी तरीके से भूनेंगे, लगभग 2 से 3 मिनट में ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा। मुझे तेल थोड़ा सा कम लग रहा है तो बढ़ा लेते हैं। और अब डाल देंगे इसमें हम प्याज, मैंने यहाँ पर चॉप किया हुआ प्याज लिया है, लगभग ये एक बड़ा साइज का प्याज है। अब इसको हम भून लेंगे, यहाँ पर हम गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, प्याज बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। प्याज अच्छी तरीके से भुन चुका है तो अब इसमें डालेंगे हम कुछ सीक्रेट मसाले, यहाँ पर मसाले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अब इसमें डालेंगे हम गरम मसाला लगभग 1/2 टेबल स्पून जितना, कम ना रखें थोड़ा सा बढ़ा कर रखें। इसी के साथ मीट मसाला, ये भी लगभग 1 टेबल स्पून जितना डालेंगे। और अब डालेंगे इसमें धनिया पाउडर लगभग 1/2 टेबल स्पून जितनी, इसी के साथ हल्दी पाउडर ये भी 1/2 टेबल स्पून जितनी, और लाल मिर्च पाउडर लगभग 1 टेबल स्पून जितना। और अब इन सभी को हम थोड़ा सा तेल में भून लेंगे। और अब तुरंत ही डाल देंगे हम टमाटर, बहुत ज़्यादा देर हमें इसे तेल में नहीं भूनना है, अगर ज़्यादा देर हो गई तो मसाले जल जाएंगे और फिर भी स्वाद इसका अच्छा नहीं आएगा। अब टमाटर के साथ ही हम सारे मसाले भून लेंगे, पानी अभी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा टमाटर को भून लेंगे। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, टमाटर को भूनते भूनते लगभग 4 मिनट हो चुका है, यानी कि टमाटर हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो अब डालेंगे इसके अंदर हम पालक, और इसे भी बहुत ही अच्छी तरीके से भूनेंगे। यहाँ पर एक प्रो टिप और दिए देता हूँ, पालक जितनी अच्छी तरीके से भूनेंगे उतना ही स्वाद इसका ढाबा या रेस्टोरेंट जैसा आएगा। तो भूनने में आप कंजूसी ना करें, वैसे तो ढाबे या रेस्टोरेंट वाले डायरेक्ट तेल में ही भून लेते हैं, मैंने फिलहाल इसके साथ भून लिया है। इसी के साथ अब इसमें डाल देंगे हम नमक, और अब इसको इसके साथ भूनेंगे। ढाबे या रेस्टोरेंट में क्या करते हैं, वो ग्रेवी पहले से तैयार रखते हैं और उसे इसी के साथ मिला लेते हैं। फिलहाल मैंने थोड़े से मसाले मिला लिए हैं तो लगभग ग्रेवी का ही काम करेंगे। और अब इसमें डाल देंगे हम पानी, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है तो बहुत कम भी नहीं डालना है, क्योंकि पालक जैसे जैसे पकेगी वैसे वैसे थिक होती जाएगी। अब इसमें हम और पानी डाल देंगे, मैं टोटल आपको बता दूंगा कितना पानी डालना है, बस आप थोड़ा सा चलाते रहें। तो मैंने यहाँ पर टोटल लगभग 2.5 गिलास जितना पानी डाला होगा, या आप समझ सकते हैं तो लगभग 700 ml जितना होगा, बस इतना पानी पर्याप्त है। अब इसे हम पकाएंगे, अभी देखिएगा आपको ये कितनी थिक लग रही है, लेकिन जब इसे पकाएंगे तो थोड़ी सी थिकी और हो जाएगी। अब पालक को हम ढक देंगे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए, लगभग 5 मिनट हो चुका है, पालक के ऊपर अभी देखिएगा झाग आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ये लगभग वैसे बन ही गई है। तो अब इसमें डाल देंगे हम आलू, अब आलू को हम थोड़ा सा मिला लेंगे, और अब डालेंगे इसके ऊपर हम चॉप किया हुआ हरा धनिया, बस इतना ही हमें पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। वैसे आप ढाबे वाली ग्रेवी के साथ भी इसे बना सकते हैं, ज़्यादातर वो ऐसे ही बनाते हैं। फिलहाल हमारी ढाबा स्टाइल पालक आलू की सब्जी तो बन चुकी है, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये ढाबा स्टाइल पालक आलू की सब्जी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो कब बना रहे हैं, जब बनाएं अपना फीडबैक हमें जरूर दें, और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, और उसके बगल का जो घंटा है यानी कि बेल आइकन उसे भी दबा दें, ताकि इसी तरीके से नई नई रेसिपियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और इस वीडियो पर आखिरी तक बने रहने के लिए आपका दिल से थैंक यू।